नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं मनीष गौड़, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी को किस्मत कंसर्न के बारे में बताऊंगा कि हमारे जीवन में किस्मत किस प्रकार काम करती है, किस्मत कैसे पहले से तय होती है, क्यों व्यक्ति अपनी किस्मत के आगे लाचार साबित होता है। जो लोग किस्मत को नहीं मानते उनको वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी करूँगा, वो भी एस्ट्रो साइंस के आधार पर। इसके अलावा क्या किस्मत को बदला जा सकता है उसके बारे में भी दृष्टि डालेंगे। ज़्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जब भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है तो हम मेहनत क्यों करें, हालात से क्यों लगे। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जब भाग्य के अनुसार दुख भोग नहीं है तो फिर पूजा दान मंत्र जप से क्या लाभ। दूसरे शब्दों में जो विधाता ने लिख दिया है वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, टल नहीं सकता तो फिर कोशिश क्यों करें। इसका उत्तर मैं आपको बड़े ही सरल उदाहरण के माध्यम से आपको आज समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस्मत क्या होती है। हम भाग्य और दुर्भाग्य को बदल तो नहीं सकते, लेकिन ज्योतिष विद्या के द्वारा उसे जरूर कम कर सकते हैं और अपने भाग्य को सवार सकते हैं। बदल नहीं सकते तो क्या हुआ, अब आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए। ऐसे जैसे मई और जून के महीने में चिलचिलाती हुई भयंकर गर्मी से प्राणी त्राही त्राही करने लगते हैं, और इस गर्मी से बचने के लिए या तो हम किसी पेड़ के नीचे छाया में जाते हैं या फिर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में कूलर एयर कंडीशनर की हवा से राहत पाते हैं। किंतु हमारे ऐसा करने से भगवान सूर्य की गर्मी ना तो कम होती है, ना ही सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं। वह तो अपना काम पूरी तरह से कर ही रहे होते हैं, लेकिन हम अपने प्रयत्न से उस गर्मी को पेड़ की छाया से या एयर कंडीशनर में जाकर राहत पाते हैं। ठीक उसी प्रकार भाग्य में लिखा होकर तो रहता ही है, लेकिन हम अपनी पूजा पाठ यज्ञ मंत्र तंत्र अनुष्ठान आदि से हम एयर कंडीशनर की छाया के रूप में अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता तो फिर वो छाया में नहीं जाता तो गर्मी से झुलस जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्योतिष के उपायों को काम में नहीं लेता तो उस पर दुर्भाग्य का प्रभाव पूर्ण रूप से काम करता है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है पूजा पाठ से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से हारी बाजी भी इंसान जीत सकता है। और कहा भी गया है इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। इंसान कर्म करके ही कामयाब हो सकता है। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। भविष्य में आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो आपको नहीं पता और जो लिखा है उसे बदल भी नहीं सकते, लेकिन ज्योतिष विद्या द्वारा किस्मत में लिखे गए दुर्भाग्य को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे यदि बार बारिश होने वाली है तो ये विधाता का लेख है, इसे कोई भी ज्योतिषी बदल नहीं सकता, ना ही बारिश होने से रोक सकता है। लेकिन यदि सही समय पर यदि आप ज्योतिषी से सलाह लेने चले जाते हैं तो वो ज्योतिष गणना द्वारा आपको बता देंगे कि बार बारिश होने वाली है, इसीलिए आप बार छाता लेकर जाएं। ज्योतिष ने बारिश को तो नहीं रोक पाए, लेकिन बारिश के कारण आपको होने वाले दुष्प्रभाव यानी कि आप गीले हो सकते थे इससे आपको बचा लिया। ठीक इसी प्रकार भाग्य और किस्मत से जुड़ी कुछ रुकावटें परेशानी जो लिखी होती है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ज्योतिष उपाय के मंत्र यंत्र रत्नों द्वारा उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हजारों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिससे पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही हमारी किस्मत में लिखा होता है। यह बात तो रामायण काल से सिद्ध होती आ रही है। जैसे इस संसार में ना तो कोई सोने का हिरण पैदा हुआ है ना ही किसी ने देखा है, फिर भी पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सीता की जिज्ञासावश होने से सोने का हिरण को पकड़ने के लिए भगवान श्री राम इनके पीछे पीछे भागने लगे। इस छिपे रहस्य को तो सिर्फ श्री राम ही जानते थे, फिर भी इस घटना के परिणाम स्वरूप माता का सीता का हरण होना रावण द्वारा, ये सब उस घटना का पहले से क्रम तय था। इसके पीछे रहस्य को यदि विवेकपूर्ण चिंतन किया जाए तो ये हम समझ सकते हैं कि विपत्ति काल आने से पूर्व कोई न कोई लीला अवश्य रच जाती है। उस समय व्यक्ति की बुद्धि सीमित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है और ऐसा कोई कार्य हो जाता है। ये सब भाग्य में लिखे हुए लेख का ही तो उदाहरण है। भाग्य एक ऐसी शक्ति है जो जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। वेदों के अनुसार मनुष्य को प्रत्येक कार्य ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। किस्मत या भाग्य का संबंध सीधा ब्रह्मांड से, इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना हर व्यक्ति के लिए नामुमकिन है, इसीलिए हम केवल वही समझने की कोशिश करेंगे जिसका संबंध आपसे या आपके भाग्य से है। ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड को 12 राशियों 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की पहचान के साथ बताया है। ब्रह्मांड को 360 डिग्री का एक गोल पिंड माना गया है। इसी के आधार पर प्रत्येक राशि
30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। प्रत्येक ग्रह अपनी धुरी पर लगातार विचरण करते रहते हैं। हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय से ही ये समझ थी कि मनुष्य के जन्म के साथ उसका भाग्य तय हो जाता है। वर्षों पहले गई कि ये बात तब से लेके आज तक और आने वाले अनंत काल तक खुद ही स्वयं प्रमाणित करती रहेगी। इसके पीछे जो तर्क काम करता है वह है ब्रह्मांड। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस सन ब्रह्मांड में मौजूद राशियों, नक्षत्रों, ग्रहों की मौजूदा स्थिति उसकी किस्मत और भाग्य को निर्धारित कर देती है, यानी तय कर देती है। वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को जन्म कुंडली कहा गया है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम भाग्य जो किस्मत कहते हैं वही तो जन्म कुंडली है। ज्योतिष विद्या द्वारा आप अपने भाग्य के घर में छुपे राज को जरूर जान सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि कब आपके लिए समय उचित रहने वाला है, कब आपको सतर्कता बरतनी है, जिससे आपकी किस्मत तो जो लिखा है उसे बदला तो नहीं जा सकता लेकिन उपायों द्वारा उसे सवारा जरूर जा सकता है। इसीलिए रत्न वैदिक यंत्र, रुद्रास वैदिक उपाय जैसे साधनों से आप अपने भाग्य से अच्छे और बुरे प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप सावधान नहीं हुए तो भाग्य में लिखी दुर्घटना तो अवश्य घटित होगी लेकिन उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी प्रकार अगर भाग्य में पुरस्कार लिखा है और आप आलसी हैं और तो आपको जो जो चीज़ मिलने वाली है वो कभी नहीं मिलेगी। भाग्य में लिखी हुई सफलता को प्राप्त करने के लिए उचित दिशा में कर्म तो करना ही पड़ता है। भाग्य से जुड़े तो और भी बहुत से उदाहरण हैं हमारे समाज में। जैसे हमारे भाग्य में जितना लिखा होता है उतना ही मिला करता है। एक मजदूर दिन भर परिश्रम करके केवल पेट पालन जितना ही कमा पाता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम परिश्रम करते हैं और इतना धन कमा लेते हैं कि जीवन भर की रोजी रोटी हो जाती है, क्योंकि जिसके जितने भाग्य में लिखा होता है उसे उतना ही मिलेगा। हमारा भाग्य ये पिछले कर्मों से तय हो जाता है, लेकिन यदि आपको भाग्य में उसी भी ज़्यादा लिखी है तो उसे ज्योतिष उपाय द्वारा कम तो जरूर किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आपका कार का चलान हो गया है तो क्या आप अपनी कार वहीं छोड़ कर चलाए जाएंगे? नहीं, बल्कि आप अपने द्वारा की गई गलती का फाइन या जुर्माना देकर अपनी कार छुड़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपके भाग्य और तकदीर में दुख, दर्द और तकलीफें लिखी है तो आप उसे मंत्र, दान, रत्नों द्वारा उपाय करके भाग्य में लिखे हुए दुखों को कम कर सकते हैं। ये तो सनातन सत्य है कि जब कोई बुरी घटना होने वाली होती है तो उस समय मनो की बुद्धि उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है, उसी के अनुसार साधन बनने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं। अतः असहाय होकर मनुष्य गलती करने के लिए बाध्य हो जाता है और प्राप्त हुए परिणामों को भोगी बनता है। मेरा मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य बिना कर्म का फल नहीं बनता और कर्म बिना भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन अगर हमारे भाग्य में भूखा रहना लिखा है तो हम कर्म करके पेट तो भर ही सकते हैं, कम से कम भीख मांगने की नौबत तो नहीं आएगी। इसी प्रकार कुंडली में यदि दुर्योग लिखे हैं तो उसे ज्योतिष उपाय द्वारा हम दुर्योगों को कम तो कर ही सकते हैं। यही हमारा भाग्य है, ये हमारा किस्मत कनेक्शन है जो जन्म कुंडली से तय हो जाता है। आज मैं आपको इसी टॉपिक के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूँ। किस्मत कनेक्शन के बारे में आपको कैसे लगा ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिसकी आपकी जिज्ञासा के आधार पर ही मैं अगले एपिसोड में आपको और अपडेट, अच्छी जानकारी दे सकूंगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप अपने कुंडली का दिखाकर अपनी समस्या को दूर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से एक निश्चित फीस जमा कराकर आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद। क्या आप गुप्त शत्रुओं से हैं परेशान? क्या आप पर जल्दी जल्दी ही किसी की बुरी नजर लग जाती है या फिर किसी ने आप पर करा रखा है ब्लैक मैजिक या तांत्रिक क्रिया जिससे आपके घर में है नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव? क्या आप कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंस गए हैं? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, बार बार आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बढ़ते हुए खर्चों के कारण आपके घर में हो रही है लड़ाइयाँ? आपको भी चाहिए अपने स्वयं के सपनों का घर, आपका ड्रीम हाउस? क्या अभी तक आप अपने सपनों की कार नहीं खरीद पाए हैं? क्या विदेश जाने का सपना अभी भी है अधूरा? तो सभी समस्याओं का पाए समाधान गुरुदेव मनीष जी कौर से। गुरुदेव से मिलकर हजारों लोगों ने अपने जीवन को संवारा है और आज सुखी जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी कॉल करें 9001867009 पर या 7976018329 पर।